हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जामबी। सो ईपीएफओ ने एक और वैकेंसी अभी निकाली है। आपको पता होगा ईपीएफओ ने कुछ टाइम पहले असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली थी, तो अब ईपीएफओ एक और वैकेंसी के साथ आया है। इस बार जो वैकेंसी है वो एसएसए की है, इसका मतलब है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो इसकी वैकेंसी ईपीएफओ ने निकाली है, हालांकि पूरा नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं डाला है, जस्ट थोड़ी सी डिटेल डाली है। कल उसका पूरा नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ जाएगा, तो स्टूडेंट देखते हैं इसके बारे में क्या क्या डिटेल उन्होंने अभी तक प्रोवाइड किया है। सो ये ईपीएफओ की नोटिफिकेशन में उन्होंने डिटेल दी है कि ईपीएफओ जो है ये 31 अगस्त को इसका एग्जाम होगा, जो कि वैकेंसी है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसके लिए है। इसका जो एग्जाम डेट है वो उन्होंने दे दी है, 31 अगस्त को इसका एग्जाम होगा और 1 सितंबर को, इनमें से किसी भी डेट पे आपका एग्जाम होगा। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, 27 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि चलेंगे 21 जुलाई तक। तो कल से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन भी उनकी वेबसाइट पे है और कल से एप्लीकेशन लिंक भी वहां पे आ जाएगा, ताकि आप अप्लाई कर पाए। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो पहले वैकेंसी निकली थी वो असिस्टेंट की थी, और इस बार जो है वो एसएसए की वैकेंसी है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। कल से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो पे स्केल होगा स्टूडेंट वो लेवल 4 होगा, एंड 7th पे कमीशन के हिसाब से इसकी जो सैलरी होगी वो 25,500 प्लस जो आपको अलाउंसेस मिलेंगे वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 30,000 के आसपास होगी। जो एज है यहाँ पे जो बोली गई है वो है 18 to 27, राइट। तो जो लोग भी जल्दी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 18 साल के होते हैं, वो लोग बहुत सारे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो यहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 27 साल तक जो लोग भी हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, और वो 21 जुलाई को देखा जाएगा, 21 जुलाई 2019 तक जिनकी एज 18 से 27 होगी वही इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे हर एग्जाम में मिलता है, एससी एसटी ओबीसी और एक्स एम्प्लॉयज ऑफ ईपीएफओ एक्स सर्विसमैन, सबके लिए जो रिलैक्सेशन है वो छूट यहाँ पे मिलेगी। अब अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 21 जुलाई 2019 को जिसकी डिग्री हो जाएगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, डिग्री होनी चाहिए बस, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री जिसकी भी हो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, राइट। सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी फील्ड, बट वो इस डेट तक आपकी हो जानी चाहिए। तो जो लोग फाइनल ईयर में भी हैं, पेपर दे रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो डिग्री है वो 21 जुलाई तक आ जाती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पे इन्होंने मांगी है कि आपकी जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड, वो 5000 की डिप्रेशन पर आर होनी चाहिए फॉर डेटा एंट्री वर्क। और ये जो स्पीड है स्टूडेंट ये बहुत कम है, अगर आप एसएससी को देखेंगे तो उसमें 8000 नॉर्मली की डिप्रेशन पर आर होता है, तो 5000 बहुत ही कम है। अब अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 31 अगस्त को होगा, तो यहाँ पर आपके पास अच्छा खासा टाइम है। जिन लोगों की भी स्पीड कम है वो ये वाली स्पीड आराम से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। प्लस एक और चीज है जो कि डिजायरेबल है, तो जिनके पास भी कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, राइट, वो भी यहाँ पे डिजायरेबल में लिखा गया है। सो जिन्होंने भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया हुआ है वो लोग यहाँ पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ डिजायरेबल है, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, राइट। सो ये था इस नोटिफिकेशन के बारे में, इतना ही डिटेल अभी दिया गया है। बाकी जो डिटेल होगा, जैसे कि कितनी वैकेंसी है, राइट, क्या पैटर्न रहेगा, सेंटर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फीस कितनी है, जो बाकी डिटेल है वो ईपीएफओ की वेबसाइट पे कल आ जाएगा नोटिफिकेशन, और आप कल से अप्लाई कर पाएंगे। 27 जून 5 बजे से आप अप्लाई कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। ईपीएफओ की 2 वैकेंसी आ चुकी है स्टूडेंट, असिस्टेंट की पहले आई थी, और अब भी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएसए की वैकेंसी आ गई है स्टूडेंट। तो कल से आप इसको अप्लाई करिएगा।
हम लोग इसके लिए भी आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। एंड स्टूडेंट हमारे पास जो ऑनलाइन कोर्स है वो EPFO असिस्टेंट का ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। सो आप उसको जाके देख सकते हैं, उसका डेमो देख सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं, प्रैक्टिस सारे मॉक टेस्ट आप फ्री में कर सकते हैं, राइट। सो इस एग्जाम को आप जरूर भरिएगा। एंड इसका जो बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद भी हम लोग एक वीडियो डालेंगे जिसमें बाकी डिटेल्स दी जाएंगी। सो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहिए एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।